दोस्तों स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर एक और नई प्रेस अपडेट के साथ। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। अप्रैल बिल को लेकर आई तो बड़ी खबर, अप्रैल बिल पास से पहले सभी को आ रहे ये मैसेज, यानी कि जो तो मैसेज तो मिल रहे हैं कि आप बेरोजगारी भत्ता अब नहीं मिलेगा अप्रैल का, तो सभी के मन के अंदर ये डाउट है। और मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पर तो मैसेज भी आ रहे हैं कि सर ये मैसेज वो किस कारण आ रहा है, क्या हमें अप्रैल का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसके बारे में आप तो वीडियो बनाकर हमें बताइए। तो इसी कारण मैं आप सभी को ये वीडियो बनाकर तो पूरी अपडेट बता दूंगा कि आखिर ये मैसेज वो किस कारण से आ रहे हैं, क्या आपको भी तो मैसेज आए या नहीं आए, आप भी मुझे वो ज़रूर तो कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो पढ़ते हैं वो मैसेज। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको बेरोजगारी भत्ते से जुड़ी जो भी नई अपडेट आती है उन सब की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दी जाती है। तो देखिए दोस्तों अब वो मैसेज, ये मैसेज तो इस प्रकार आ रहा है कि अधिनियम 1956 नियम 11 के तहत आपके एरिया से वो संबंधित नोटरी तो पब्लिक द्वारा फॉर्म आई को प्रमाणित करना है जिसमें निर्धारित माप की मोर नोटिसरी नोटरी व रजिस्ट्रेशन व क्रमांक नोटरी रजिस्ट्रेशन में आपके अंकन का परिणाम पत्र नोटरी की वैधता का उल्लेख करता है। यानी कि यह मैसेज उन सभी कैंडिडेटों को आ रहा है जो कि तो या तो अपने तो फॉर्म को रिन्यू या अपडेट तो करते वक्त जहाँ से वो नोटरी वो कराई थी वो नोटरी रोजगार वो कार्यालय तो मान ये नहीं मान रही, यानी कि जो आपने वो नोटरी वो कराई थी उस तो नोटरी को रोजगार ऑफिस के अंदर तो वेरीफाई वो नहीं किया जा रहा है। इसी कारण ये मैसेज भेजे जा रहे हैं कि आप वो कृपया किसी वो दूसरे प्रकार से वो नोटरी कराई, यानी कि आपने जहाँ से वो नोटरी कराई वो अभी तो बेरोजगारी भत्ते के अंदर तो माननीय वो नहीं है। इसी कारण ये मैसेज मिल रहे और जिनको ये मैसेज आ रहे वे अपना तो फॉर्म तो फिर से अपडेट वो ज़रूर करें और वो दोबारा से वो नोटरी वो करा के अपने फॉर्म को वो रिन्यू या अपडेट वो ज़रूर करें, अन्यथा आपका बेरोजगारी पता हो सकता है बंद। अब बात करते हैं अप्रैल का बेरोजगारी पता क्या सभी को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों 101% आप सभी को अप्रैल का पेमेंट मिलेगा, इसके बाद आपको अप्रैल के बाद तो मई का भी तो पेमेंट मिलेगा। जब तक इंटर्नशिप योजना नहीं आ जाती वो तब तक आपको तो पेमेंट मिलता रहेगा। और इसके अलावा और भी कोई अपडेट आएगी फॉर्म अप्रूव्ड अप्रैल पेमेंट के बारे में तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।